मैनू चौरी साहब फरमा रहे सन पैगाम भेजे कि सानू नबी पाक दा मिला शरीफ सुनाओ। मैं इंशाल्लाह उल अज़ीज़ तुहानू जित्थों शाह जी किबला गल छोड़ के गए इंशाल्लाह उत्थों अगे मैं शुरू कर लैनी है। इंशाल्लाह मैं तुहानू नबी पाक दा मिला शरीफ सुनाना है। गिरामी कदर हजरात, कुरान मजीद फुरकान हमीद दी तीन आयात बयानात पढ़िया। इन आयात च अल्लाह करीम ने अपनी पहचान कराई मगर अंदाज निराला जिहा रखिया। कुरान मजीद च अल्लाह ने जदों अपनी पहचान कराई तो किसी मुकाम ते इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया कि असा फरमाया मैं रब जिन्हें जमीन का फर्श बनाया आसमान का साहिबान बनाया। कदी इरशाद फरमाया कि मैं वो रब जिहड़ा आसमान तो तुहाडे वास्ते बारिश नाजल कर दे। किधर इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, फरमाया ओ जात है जिहड़ी तुहाडियां मामा दे रहमां दे अंदर तुहाडी तस्वीर बनांदी, ओ मुसव्विर है तुहाडा। अल्लाह ने मुख्तलिफ हवाले नाल अपनी पहचान कराई, इन आयात च भी पहचान कराई मगर अंदाज निराला है। आइए मैं कुरान पढ़ा कि दीगर आयात और इन आयात च अल्लाह करीम ने अपनी पहचान किस तरह कराई ते इत्थे फर्क की है। पढ़ियो कुरान जे सुभान अल्लाह। फरमाओ भाई सारे भाई मुराद हाउस आने वाले हो, मैंने गालिबन चार पाँच साल हो गए ने तुहाडी खिदमत च हाजिर होंदे आ। चौरी साहब माशाल्लाह हर साल अजीम शान महफिल मिलाद का इनकार करते हैं, खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस करते हैं और तीसरी महफल हजूर सैयदा ज़हरा पाक की बारगाह हकदस चरमगाने न्याज होती है। तो मैं इन तीनों महाफल से सालाना हाजिर हो रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखिए कि तुहाडे रसूलपुर तारड़ के अंदर बेशुमार सारा लखन करीम ने उशाक वाला जोक रखे। मैं जो भी आया कदों सुबहान अल्लाह वालों मायूस नहीं गया। बेशक रात के तीन बज गए मगर मैं इंज लगे कि महफल होने शुरू हुई है। इन्नी उच्ची सुबहान अल्लाह फरमाऊ कि मदीने आवाज जाए। जिन्हें जिन्हें हाथ नहीं चुकया नाल दा बेली फड़ के चुक के जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह। अपने अपने गोडे छोड़ दो, इंशाल्लाह किधरे नहीं दौड़न लगे, हाथ चुकना है। इन्ना उच्चा सुभान अल्लाह फरमा फरिश्ते झुक झुक के कहन नबी दा मिलाद हो रहा, सुन्नी सुभान अल्लाह कह रहे हैं। या अल्लाह जिहड़ा इस तो उच्चा बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे। हुण जिहड़ा इस तो उच्चा बोले रमदान शरीफ च अपनी अम्मी ते अबू नाल उमरा करके आवे। जिहड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सौवे ते ख्वाब च कमली वाला ही आ जावे। तेनों मिलाद वाले रसूल का वास्ता जरा इस तू उच्चा बोले जागदे महफिल च सोने का दीदार करा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह हुण कम इत्थे रखा जाए, जिदा खाइए ओदा जिदी अम्मी ने दस के भेजा तो पलिया ही मुस्तफा दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। सुनिए कुरान, अल्लाह ने रिजा फरमाया तबारक अल्लज़ी जअला फिस समा فروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا बरकत वाली है मेरी जात। अल्लाह ने रिशा फरमाया जिन्हें आसमान बनाए बुर्ज बनाए, फरमाया जिन्हें सितारे बनाए कमर बनाया सूरज बनाया, अपनी पहचान करा दिया इरशा फरमाया तबारक अल्लज़ी नज़ल अल-फुरक़ान अला अब्दिहि लियकून लिल-आलमीन नज़ीरा। फरमाया बड़ी बरकत वाली है मेरी जात, फरमाया जिन्हें अपने यार ते फर्क करने वाली किताब कुरान नाज़िल कीता लियकून लिल-आलमीन नज़ीरा। फरमाया ताकि यार आलमीन डर सुनाने वाला बन जावे, अपनी पहचान करा दिया। फरमाया तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगार ने फरमाया बड़ी बरकत वाली ओ जात जिदी कुदरत दे हत्थां दे अंदर सारी कायनात दे मुल्क ने। फरमाया जेड़ा हर चीज दियां कुदरत वाला है, अपनी पहचान करांदिया करांदिया फरमाया वतवक्कल अलल अज़ीज़
الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. परवरदिगार ने रिजा फरमा ए भी मेरी पहचान है, मैं आसमान बनाई, ए भी मेरी पहचान है, मैं जमीन बनाई, ए भी मेरी पहचान है, मैं पुर्ज बनाए, ए भी मेरी पहचान है, मैं सूरज ते चंद सितारे नु बनाया। फरमाया कमली वाले मेरे बंदे नु ए भी मेरी पहचान करा दे। अल्लज़ी यराक हीन तकूम, फरमाया मैं ओ रबा जेड़ा हर वेले मुहम्मद वल वेखदा रहंदा है। अल्लाह ने फरमाया जिदा अख तेरे मुख ते परवरदिगार ने परमा कमली वाले मैं तेन सजदा करने वाले च भी वेखदा रहा। साजदीन की तफसीर कर उलमा फरमा देने, अल्लाह फरमा दे कमली वाले जदू तेरा नूर आदम दे मथे च चमकिया मैं आदम बिच भी तेनू वेखदा रहा, जदू तेरा नूर इब्राहिम दे पेशानी च चमकिया उथे भी मैं तेनू वेखदा रहा, जदू तेरा नूर इस्माइल कोल आया उथे भी मैं तेनू वेखदा रहा। फरमाया टुरदिया टुरदिया तेरा नूर अब्दुल मुत्तलिब दे मथे च चमकिया मैं उथे भी तेनू ही वेखदा रहा। फरमाया जदू अब्दुल्ला दी पुश्त विच आयो उथे भी तेनू वेखदा रहा। अज आमिना दी गोदी च आ गया है मैं इथे भी तेनू ही पिया वेखना। नबी दे मापिया ने कलमा नहीं सी पढ़िया, नबी दे बचपन च फौत हो गए, वो मुसलमान नहीं। वो कहंदे ने माज़ल्ला अलियाज़ु बिल्ला, कहंदे ने नबी दे मापे मुशरकीन सन, वो बुतां नूं सजदे करदे सन। ये कहंदे ने मुशरकीन सन ते कुरान कहंदा साजदीन सन। अल्लाह फरमांदा सोनिया मैं तेनू भेजिया उन्हां विच जिहड़े सजदा मेरी जात नूं करदे रहे। वतकल्लुबा काफी साजदीन, मैं उन्हां हस्तियां दा जिक्र करन लगा जिन्हां सानू मिलाद वाला रसूल अता कीता, ओ जिन्हां नूं रब दा कुरान कहंदा साजदीन। नहीं बोले सुभान अल्लाह। मेरी मिल्लत दे नौजवान उस मां दा जिक्र करन लगा जिन्हों रब ने साजदीन च शुमार फरमाया, मैं उस अबू दा जिक्र करन लगा जिन्हों अल्लाह ने साजदीन च शुमार फरमाया। फरमाया तकल्लुबा का फिर साजदीन, इजाजत होवे ते तर्जमा करा मैं आसान पंजाबी जुबान च, थोड़ा जा हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए, हाथ बिल्कुल नहीं चुकना, मत के तेरे कोई शहीद ना हो जाए, गला खराब हो जाए, सुबह लोग पूछन तेरे गले नु की होया, आखी राती नबी पाक दा मिलाद शरीफ सी, मैं सुभान अल्लाह कहंदा रहा। होर 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 उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मैं दा तर्जमा जे करया करना, तैबा जई छा कोई नहीं भाई, तैबा जई छा कोई जग विच मां कोई नहीं, मेरे आका दी मां वर्गी सारे जग विच मां कोई नहीं। नौजवानों पर रबीउल अव्वल दी रात सोमवार दा दिहाड़ा, सैयदा आमिना फरमा दिया रात जारी दिन आ रहा, आप फरमा दिया जो रात दे दिन दे मिलाप दा वेला आया, आप इरशाद फरमा दिया ने जे रब चांदा ते रात दे अंधेरे च यार नूं भेज लैंदा, सुनियो जे रब चांदा अपने दियार नूं दिन दे उजाले च भेज लैंदा। फरमाया कमली वालिया तेनू उदों ना भेजा जदू दिन भी होवे ते रात भी होवे, रात भी मिलाद वाली हो जाए दिन भी मिलाद वाला हो जाए, राती सुन्नी मिलाद दा जलसा करन सवेरे उठ के मिलाद दा जुलूस वाह तेरे आऊं तू सदके जेड़े वेले आया उन्हें नूर वाला बना दिता है।
तेरे नूर तो सदके जिस वेले आया वेला ही नूर वाला बना देता। सैयद आमिना फरमा दिया चार औरत आईयां ओ मेरे इर्द गिर्द बैठिया तुसा सुनिया हजरत आदम दी बीवी हव्वा आई हजरत इब्राहिम दी बीवी सारा आई हजरत मूसा नु पालन वाली हजरत आसिया फिरौन दी बीवी आई हजरत ईसा दी मां मरियम आई। ओ यार जेड़ी मां दी खिदमत लई नबियां दी मावां आ जान उस मां दी अजमत नु लखां ते करोड़ां ते अरबां ते खरबां ते बेशुमार सलाम होवन। तुसी पर्ची लिख के भेज दियो असी सब मां दी शान सुनाओ। क्यों? क्योंकि मां दी शान सुन के कलेजे ठंड पैंदी है। मैं उस मां दा जिक्र करन लगा जिहदा नाम लै लईए कमली वाले दे कलेजे ठंड पै जांदी है। मैं हजूर दी अंबी दा जिक्र करन लगा मां दा जिक्र करन लगा सही सरदार फैसलाबाद दा आशिक रसूल ते सुनियां दा शायर जद हजूर दी अम्मी दा थोड़ा जिक्र कीता ना ते सही सरदार बोल के कहंदा सारा पाक मरियम सारा पाक मरियम पाक आसिया थी आमिना पाक दी बज गई है एदो बद सरदार होर की आखा जित लाल नो अरशांत सत सरदार की आखां जिदे लाल नु अरशां ते सद पई है जिदी मां ओ मां जिदा लाल अरशां दा राही होवे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों सैयद आमिना फरमा दियां चार औरत मेरे इर्द गिर्द बैठ गईयां ते खारज मिन्नी नूर फरमा दिया फिर मेरे च नूर निकलिया मैं नूर नु जन्म दिता। अच्छा जिन्हें भेजा कहंदा कद जा अक मिनल्लाह नूर जिन्हें जन्म दिता कहंदी खारज मिन्नी नूर जेड़ा आया वो कहंदा अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी पता लग गया मौके दे सारे गवाह पे कहंदे ने नूर मौके दे सारे गवाह कहंदे नूर है। हुण सैयद आमिना फरमा दिया सोना आ गया मेरी गोदी दे अंदर आ गया सोना मेरी गोदी दे अंदर ते आ फरमा दिया फिर मैं वेख्या दूर दुनिया तो अधेरा हो गया ए दूर दुनिया नबी पाक दा मिलाद पढ़िए तो मिलके सारे पढ़िए आ गया सोना सवेरा हो गया भैया मेरे नाल मिलके पढ़िए आ गया सोना सवेरा हो गया जिब्रील काबे ते झंडा लगा के कहंदे ने आ गया सोना सवेरा जेड़ा उच्चा बोले राती खाबे जे कमली वाले और सुबह रसूल पर तारर दिया गलियां जे फेरे नाले ए ही पड़दा जावे राती आ गया सोना सवेरा हो गया ए आ गया सोना सवेरा हो गया तैयार
मेरा हो गया। ईमान वाले कबारी अख बंद करके अपने अंदर झाती मार, जे तेरे अंदर कुफर दा अंधेरा नहीं, ईमान दा सवेरा है, दसा जेड़ा तेरे मेरे अंदर सवेरा है। एक कमली वाले दा नहीं ते होर किदा है, जिदे अंदर ईमान दा सवेरा पड़े आ गया सोना सवेरा। युखरिज उम्मी न जुलमात इलन नूर आ गया सोना सवेरा हो गया। वसीराज मुनीरा हो आ गया सोना सवेरा हो जी। मेरे कान च कह के गए ने ए भी पढ़ो पर नाल ओ भी पढ़ो, मुस्तफा आए दुहाइयां पै गईयां। जे तुसीं रल के पढ़ो ते अच्छा, ओ बंदा हाथ खड़ा करे जिदा दिल करदा मैं कयामत नूं उठां ते मेरा नाम नबी पाक दे नातखाना च लिखिया होवे। इथे हाथ रखे उन सारे मिलके जमीलाद पढ़ो, मुस्तफा आए आए दुहाइयां पै गईयां। भाई मुस्तफा आए आए दुहाइयां पै गईयां, रब अगे सजदे आए खुदाइयां पै गईयां। और तू जिन्ना दी कठड़ी चुक के रब्बियां हक दी रात फे मायां बह गईयां, हक दी रात फेर मायां बह गईयां। मुस्तफा आए आए दुहाइयां बह गईयां, रब अगे सजदे आए खुदाइयां बह छोटी जी बच्ची बुलाया ते कह लगी दौड़ के जाते जाए दादा जी नूं दस के अल्लाह ने बड़ा सोहना पुत्रा अता कीता। हजूर दे दादा जी उस वेले तवाफे काबा पे करदे सन। बच्ची जाके कहन लगी बाबा जी जल्दी आयो, अल्लाह ने बड़ा सोहना पोता अता कीता। पढ़े लिखे नौजवान तशरीफ फरमाओ, 90 साल का बाबा हो, 10 पुत्र हो, दसां विचों सब तो छोटा हो अब्दुल्ला, सोहना हो अब्दुल्ला, लाडला हो अब्दुल्ला। वह लाडला 25 साल की जवानी शादी तो 3 महीने बाद दुनिया तो टुर जाए, उसके जावन तो बाद अल्लाह उन्हें मुहम्मद देवे। दादे नूं किवें दे छा चढ़े हो सरकार दे दादा जी दौड़ दे घर आए, आके दरवाजा खोल लगे, परमात्मा ने मैनूं इंज लगा जिवें किसी सीने ते धक्का मारिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इंज वेख के फरमांदे ने जिहड़ी भी गायबी चीज है पर मेरा पुत्र आया मैं वेखा ना, मैनूं धक्के ना मारो। ते गायब तो आवाज आई, हजूर जम जम वेख्या जे पर पहले अरशी वेखणगे फिर फरशी वेखणगे। अजे फरिश्ते मुस्तफा दी दीद करन आ रहे ने। हजूर दे दादा जी अंदर आए ना ते मत्थे ते प्यार करके फरमान लगे आमिना ले आ दीजिए मेरा पुत्र मेरी गोदी च दे दे। सैयदा आमिना ने कमली वाले नूं उठा के जदों दादे दी गोद च रखिया ना ते आपने वेख्या सैयदा आमिना दी अख च छम छम अथरू ने। फरमान लगे आमिना बेटी अल्लाह ने तैनूं एडा सोहना लाल अता कीता, बेटी रोने क्यों है रोने क्यों है। सैयदा आमिना कहन लगी बाबा मैनूं अब्दुल्ला दी याद आई, अब्दुल्ला दी याद आई, लगियां वाले चुप नहीं कर दे आए, कईए लखे दिला से आए,
टूट के यार पिछोड़ा पाके हुन जाइए केड़े पासे ए टूट के यार पिछोड़ा पाके हुन जाइए केड़े पासे फरमान लगिया बाबा मैं रोनी आओ तेरा पुत्र जम दिया यतीम अबू किनो आखेगा रोनिया कि गल करेगा मैं रोनिया कंध्या बिठा के सहरा कौन कराएगा इन खिलौने कौन लग देगा ये कि सीने से सवेगा कि उंगली फड़ के तुरया करेगा इन सहरा कौन करावेगा खिलौने कौन लग देगा नबी पाक दे दादा जी भी रोन लगे पे कमरे की नुक्कर जी आवाज आई आमिना रोमीना ए अबू अबू नहीं आखेगा ए आहद आहद आखेगा ए दसीने ते सौन जी करेगा अपने काबे दी हदी में च सुला देवांगा ए दा उंगली फड़ के टुरन जी करेगा ए दी उंगली दे इशारे ते दरख्तां नूं टोर देवांगा ए दा मिठियां गल्लां नूं जी करेगा पत्थरां तू कलमे पढ़ा देवांगा ए दा खेड़े नूं जी करेगा चन खड़ौना बना देवांगा ਇਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਦੀ ਯਤੀਮੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤੀਮ ਇਸ ਦੁਰ ਯਤੀਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਲਟ ਗਏ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਸੈਯਦਾ ਆਮਿਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚ ਖਿਲਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਲਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸਨ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਬਨੂ ਸਾਦ ਕਬੀਲੇ ਚ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸਨ ਇੱਕ ਤੇ ਮੱਕੇ ਚ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਨੂ ਸਾਦ ਕਬੀਲੇ ਚ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਤੇ ਬਨੂ ਸਾਦ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਆਨਾ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੱਕੇ ਚ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਦੀਦ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਸੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਚ ਪਰ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਪਲ ਕੇ ਆਵੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਬਨੂ ਸਾਦ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਬੀ ਬੜੀ ਫਸਾਹਤ ਤੇ ਬਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨਦਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਫਸਾਹਤ ਤੇ ਬਲਾਗਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਲ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬੀ ਬੜੀ ਫਸਾਹਤ ਤੇ ਬਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਫਸੀਹ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਫਰਮਾਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਬੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਬੀ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀ ਜ਼ਬੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਹਕਮਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਨਾਈ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿੱਦੀਕ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਨੂ ਸਾਦ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਪਲ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਬਨੂ ਸਾਦ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਮੁਹੱਦਿਸ ਇਬਨ ਜੌਜ਼ੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਅਲ ਮੌਲਿਦ ਅਲ ਉਰੂਸ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਹਿਤ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਦਰ ਪੈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਹਾਰਿਸ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਓਟਣੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਓਟਣੀ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਫਸੁਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਓਟਣੀ ਟੁੱਟਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਸਕਾਂ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਪੈ ਦਰ ਪੈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਗਰ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਆ ਫਰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਜਾਗ ਪਿਆ
सोना जा बाबा मेरे खाबे च आके कह लगा हलीमा मेरे पीछे पीछे आ जा। आ फरमा दिया मैं पिछे गई खाब के अंदर वेख्या बाबा मैंने एक दुध की नहर से लै गया एक प्याला दुध का भर के फरमादा मैं हलीमा तू दुध पी ले। आ फरमा दिया मैं एक ही घुट पीता तो मेरी भुख भी मुक गई तो दुख भी मुक गई। अम्मा हलीमा बड़ी हैरत ज्यादा हुई ते बाबे ने फरमा दिया बाबा तू कौन है। बाबा कह लगा हलीमा मैं तेरा ओ शुक्र हां जेड़ा गरीबी च भी रब दा करी जानी है। बाबा कह लगा हलीमा दुखां दी मारी है पर इंज कर जे रहमत लैनी है ते बरकत लैनी है ते मक्के पहुंच। मक्के च रब दा नबी आया ते जा उन्हों लेके आ ते अल्लाह तेनों बरकत अता करेगा। अम्मा हलीमा फरमा दिया मेरी अख खुल गई ते आ फरमा दिया मेरा पेट भी भरे है ते इंज जिवें मैनूं दुख ही कोई नहीं। अम्मा हलीमा ने मोहल्ले च पता किया कि मक्के बेच दाइया ओ बनो साध कबीले दियां दाइया मक्के वाले जा रही। आप फरमा दिया मैं अपने खामद हारिस ने मशवरा किया असि पांच रूह घरों निकले। फरमा दिया नौ मेरे कबीले दियां सहेलियां मक्के वाल टुरियां। आप फरमा दिया मैं मेरा खामद हारिस एक ऊंटनी एक गदी से समान लदिया। आप फरमा दिया अपना अब्दुल्ला बेटा मैं गोद च रखिया शीर खार दुध पींदा बेटा। आप फरमा दिया पांच रूह असि घरों निकले नौ मेरे कबीले दियां औरतां मक्के वाल आईयां। आ फरमा दिया कि मैं चूंकि ऊंटनी की लत टुटी तो मैं बार बार पिछे रह जावा मेरिया सहेलियां मैंने मिला दिया मैं फिर पिछे रह जावा वो फिर रुक के मैंने मिला दिया मैं फिर पिछे रह जावा आखिर मैंने छोड़ के चलिया गई। आ फरमा दिया मैं मक्के पहुंची वक्त ही आ गया कि वह बच्चे अमीर दे लैके मक्के चो बाहर निकल रही मैं मक्के च दाखिल हो रही। आप इरशाद फरमा दिया दिल से मेरा उत्थे टुट गया कि अमीर के बच्चे तो यह लै गई। आ फरमा दिया कि और रिवाज यह सी कि दाइया आके काबे के सेहने च बैठ जाए ने जिन्हों दाई की जरूरत होती है अपनी मन पसंद आए कि दाई काबे चो लै जाता है। अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं जो मक्के पहुंची वो अद्धी रात का वेला सी। आ फरमा दिया मैं काबे च गई तो काबे च अंधेरा बड़ा तो काबे च कोई बंदा परिंदा नहीं। अम्मा हलीमा काबे वाल वेख तो रो पी तो रो के फरमा दिया ने एक उंज माड़ा बनाया तो मुकद्दर भी माड़ा ही बनाया। अम्मा हलीमा रो पी रसूल पर ताड़न मुराद हाउस आन वाले हो। अम्मा हलीमा अद्धी रात वे आके काबे का पर्दा पकड़ लिया। बड़ी दूरों आई अल्लाह मेरे इलाके च बारिश नहीं हो रही कैसे पै गया नाले अर्दा कर दिया मेरे ते मुसीबत ना दिल हो रही अर्द कर दिया काबे वाली आ मेरा खामद भी बीमार है ऊटनी का बच्चा भी मर गया ऊटनी की लत भी टुट गई है मेरे च नहीं ताकत नहीं अपने बच्चे नूं दुध पिला सका। अनाली मर के कह दिया काबे वाले मेरे वल आन कर ते अपने झोली फैला के कह दिया रब्बा मैं मौता नहीं मंगदी इको अर्ज करनी मेरी झोली च रहमत दा कतरा ही पा दे मैं बड़ी गरीब हूं जग बिच मेरे जिया गरीब कोई नहीं काबे जिया बाद हलीमा रोना तेरे जिया गरीब कोई नहीं ओ आ गया है ओ ते जिया अमीर कोई नहीं। हलीमा ने झोली फैला के अर्ज की काबे वाले आओ मेरी झोली च रहमत दा कतरा ही पा दे काबे जिया बाद कतरा पई मंगनी है असा दुआ जहां दी रहमत तेरी झोली च पा के तोरना दरवाजे चो आवाज आई कोई दाई है। अम्मा जे मुड़ के वेख्या अद्धी रात वेले जे कौन दाई लैना अज मुड़ के वेख्या ते काबे दे हरम दे दरवाजे च इक बड़ा सोहना जिहा बाबा खड़ा गरीब नहीं सी ना दौड़ के गई ते अम्मा हलीमा जाके बाबा जी नूं कहण लगी जी मैं दाई हां जी ते बाबा जी फरमान लगे तेरा नाम की है। आख्या हलीमा। बाबा जी फरमान दे तेरा कबीला केड़ा कह लगे जी ओ मैं ताइफ तो अगे एक बनू साध कबीला जी मैं उत्थों आई हां। बाबा जी मुस्कुरा पे इतनी गलते मुस्कुरा पे ते बाबा जी फरमान लगे हलीमा हिलम चो निकले आए ते सादिया साध चो निकले आए ते फाल ते तेरी चंगी है गल्लां दोवे चंगियां ने थोड़ा होर रौला बोलो तुहानू नजर ही ना लग जाए यकीन करो एक एक गलत सुभान अल्लाह हर जुमले ते भी आखो ते कदर नहीं पाई तुसा फिर भी पता क्यों वेख मैं केड़ी वड्डी ते उच्ची बारगाह दी गल्लां पिया करना मैं उस अम्मा हलीमा दी गल पिया करना
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਉਹ ਮਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ मैं उस बारगाह की गल पे करना जिथे कमली वाले आका अली सलाम भी अपन न्याज मदिया करके ते हजूर चादर कदमों के थले बिछा देवन मैं उस अम्मा हलीमा का तस्करा छेड़ी बैठा नौजवानों अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं रो के ना तो बाबा जी ने पूछा बाबा जी मैं गरीब हाँ तो तुम मेरा तारीफ पूछ के हसते हो बाबा जी मुस्कुराए क्यों हो अम्मा हलीमा कह लगी वे बाबा तेरे मथे का मेहराब वेखा कोई रात जागन वाला लगना है मैं तेरे चेहरे का नूर वेखा मतवली लगना है तेरा लिबास वेखा चौधरी लगना है वे बाबा मेरा नाम पूछ के हसया क्यों है बाबा कहन लगा बीबी मैं काबे दा मतवली हां मैं कुरैश दा सरदार हां मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है मैं तेरा नाम सुन के हसया नहीं मैं तेरे मुकद्दरां दे नाद करके मुस्कुरा रहा हूं फरमाया अज तीन दिन गुजरे मैं काबे दा तवाफ या करदा सा मैनू काबे च आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब अपना पुत्रा किसे नूं ना देवी दाइयां बड़ियां आउण गईयां पीछे कमाड़ी जी हलीमा आउंदी आ ओदी गोदी च मेरा यार रख देवी ओदी कुल्ली कच्ची आ ईमान बड़ा पक्का ईमान पक्का चलिए फरमाया आजा हलीमा मेरे पीछे पीछे आजा फरमा दिया बाबा जी मक्के दी गली चंगे अगे जा रहे थे मैं पीछे पीछे आ रही आप फरमा दिया मैं जा रही उनके नौजवान मेरा ख्याल है हलीमा दे कन्ना च आवाजा आउंदियां आउणगियां बाबानी हलीमा तेरे ते अज करम कमा अम्मा हलीमा बड़ी सियानी सी इंज करके सारे वेड़े च वेख्या कित्थे वेजे दली मैं आई हाँ आ फरमा दिया वेख्या ते नुकरे च झूला है तो झूला पे आप ही झूल दे इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अल-ख़सायसुल कुबरा च फरमा दे कि जबरील झूला झूला रहे सन जबरील आए झूला झुलाए लोरी दे के सुलान सो जा रहमत आलम दो जग के अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं दौड़ के पंघूड़े वाली गई मैं तीन तरह की रिवायत पढ़ी कि सफेद सफेद सबज या काले रंग का कपड़ा सी हजूर दे रुखे अनवर दे नबी पाक आराम फरमा रहे नींद फरमा रहे ते हजूर दे हल्के हल्के खराटियां दी आवाज पई आवे इमाम दारमी फरमाते ने कि जब नबी पाक रात नु आराम फरमाते सन ना ते हल्के हल्के खराटियां दी आवाज आंदी सी ओ खराटे जेड़े कन्ना नु सुकून दिंदे ओ नहीं कि चाचा जी सुते हो ते पूरे मोहल्ले च पता लगे चाचा जी सुते ने खराटे ने कन्ना सुकून दिल सुकून कर पता कर एक गहरी नींद की निशानी पुरसकून नींद की निशानी
अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं पंगूड़े के करीब गई थे ये इस तरह करके ना मैं हजूर न चाया ना तो फरमा दिया कपड़े चो हजूर के नूर दिया लाटा निकल रही तो मैं अपने आप को आखा नहीं हलीमा खबरे कि सोहना हो खबरे कि सोहना हो आप फरमा दिया मैं ये इंज करके चुकया ना जो अपने रुखे नंबर तू कपड़ा तो मैं तो दिल फड़ के बह गई हूँ अम्मा हलीमा की वेख्या रंग पेश करा चलो तुम सुबह लगर जाके बोलिया जी मैंने पता है रात के पौने चार बजे बंदा सुबह लख जो रहा ही नहीं आ पिछला खादा हजम हो गया है ते अगले का वेला आ जाता है बहर थोड़ा लंगर घरों खा के आया करो बंदा सुबह लख जो हो जाता है हजूर का लंगर तो पलन वाला उच्चा बोले सुबह मालिमा परमा दिया परमा वेख्या एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरें कुल की खबरें एक माह मदन गोरा सा बदन की खबरें वो दिखा के फबन वो सुनाओ के सुखन मोरा फूंक दिया सब तन मन धन गोदी चुकिया हलीमा ने गोदी चुकिया हलीमा ने सोने दा ना सुन के आए सिर चुक ले यतीमा ने सोने दा ना सुन के आए चुकले नौजवानों तीन दिन मालीमा मेरे नबी दे घर रही मालीमा ने सारिया गल्लां सुनाया किवें किवें फरिश्ते ते नबी मुबारक देने आउंदे रहे ने मालीमा के नी हलीमा केड़ा वेला होवे ते इनू वेड़ा ही लै जावां मेरे घर भी बरकत हो जावन तीन दिन बाद अम्मा हलीमा टुरियां आओ मैं तुहानू जल्दी जल्दी हुण सफर करावा अम्मा हलीमा दे घर तक दा बड़ी लंबी गल बड़ी तवील दासा ने पर अगले साल सही इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह मैं जल्दी तकरीर करांगा को 12 1 बजे क्यों बर सर हां अगले साल 12 1 बजे इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे फिर फजर तक चल लेंगे सुभान अल्लाह उन्हां दा रंग उड़ गया नहीं नहीं जल्दी जान छड़ देवांगे बंदे फिर भी मथे लगना होगा सुभान अल्लाह अम्मा हलीमा फरमा दिया जो मैं नबी पाक नूं लैके गली च निकली तो वह ऊंटनी जिहदी लत टुटी तो वह अपने गोड्या ते सिर दे के ना ते बड़ी परेशान जी बैठी जो हजूर नूं लैके अम्मा हलीमा निकलिया ना ते रिवायात ते चाहुंदा सो ऊंटनी ने सांस सांस च हवा हवा च नबूवत की खुशबू गई ना ते ऊंटनी सिर चुक के कहंदी किधरे ओ इत्थे नहीं आ गए मदीने दा ताजदार ते नबियां दा इमाम आ रहे बस फिर अम्मा हलीमा हजूर नूं लैके ऊंटनी ते बैठिया आप फरमा दिया मेरे शोहर अगे बैठ के मैं पिछे हजूर नूं बूह च लैके बैठी ऊंटनी नूं उठांदे ने उठदी नहीं हजरत हारिस उतर के ना ऊंटनी नु मारन लगे नबी पाक दे दादा जी दूर तू वेख रहे फरमा लगे ना मारी हारिस ना मारी अर्ज की हजूर है ऊंटनी उठती नहीं नबी पाक दे दादा जी फरमान लगे तरीका तेनों मैं दसना ते उठ जावेगी ते हजरत हारिस कहंदे ने जी उठनी मेरी है कि तुहाडी है ते हजूर दे दादा जी नाले टुरे आंदे ते नाले फरमांदे ने पोतरा मेरा है कि तेरा है इहदियां शाना मैनू पुछ आ के फरमान लगे हलीमा इहनू लैके पिछे ना बैठ सहेलियां टुर गई
आप फरमा दिया मैंने ख्याल आया हलीमा पिछे रह गई है कल्या पिंड जाना पैना है कल्या ही जाना पैना है। आप फरमा दिया यह ख्याल है जो मेरे जेहन च मैं वेखे नबी पाक ने अब्दुल्ला दे गोरे गोरे हाथ निकाले मेरी गोच इस तरह करके मुहारा पकड़ लिया। आप फरमा दिया मैंने ख्याल आया वे सोने मैं गरीब नहीं रस्सियां वट वट के वागा बनाया तो तेरे नबूबत के नाजुक जे हाथ किधरे तकलीफ ही ना हो। आप फरमा दिया मैं इस तरह करके हजूर के हाथ मुबारक पकड़ के गोद च कीते ना हजूर ने मेरे वाल इंज वेख्या। आप फरमा दिया मैं थोड़ा नबूबत का जलाल बर्दाश्त ही ना होया मैं हाथ छोड़े तो सोने फिर मुहारा अमालीमा फरमा दिया मैं दूसरी बारी छुड़ाए सोने वेख्या मैं फिर छोड़ दिते नबी करीम ने बागा पढ़िया मैं तीसरी बारी छुड़ान लगी सोने वेख्या सोने दे वेखन नाल मैं समझ गई कमली वाला पिया कहंदा अम्मा जे बागा तू फड़िया पिछे रह जाएगी बागा मैनू फड़ा दे जे सारिया तू पहले ना पुजावा मुहम्मद कौन जिन्हें हलीमा दी डाची नू सारे तो पहले पहुंचाया तेनू भी जन्नत सारे उम्मता तो पहले लैके जावे। अम्मा हलीमा फरमा दिया फिर डाची इंज दौड़ी इंज दौड़ी इंज दौड़ी जहाज ही बन गई ओ जहाज नहीं जहाज बन गई तो जड़िया दाइया तीन दिन पहले मक्के टूरिया अम्मा हलीमा दी डाची छां करके कोलो गुजर गई एक दाई दूसरी दे कंधे ते हाथ रख के कहती है नहीं आ हलीमा गई है सवार बदल के लै आई अम्मा हलीमा दी डाची दौड़ती जा रही नाले लोगों ना पैगाम दें रहमत परतान वाला आ गया रहमत परतान वाला भाई जी देखो लाया पड़े रहमत परतान सबन सीने लान वाला आ गया। अम्मा हलीमा फरमा दिया जे शाम ना पई ते मैं घर पहुंच गई कुल्ली वेखी ते अम्मा हलीमा डाची रोके ते कदे कुल्ली वाल वेखे हलीमा कुल्ली वाल वेखे कदे सरकार नू वेखे ते आखे केड़ी सेज तेरे लिए सजावा या रसूल अल्लाह। अम्मा हलीमा रो पई ते अथरू हजूर दे चेहरे ते डिगे ते रो के आसमान वल वेख के कदी कदे एडा गरीब ना बना दो अज तेरे माही नू किसे सोहनी जगह बिठा दे। अथरू हजूर दे चेहरे ते डिगे ते अख खोल के मेरे नबी मां वल वेख्या आख्या रोए क्यों ते अम्मा कहंदी माड़ी जी होई आख्या फिर रो ना मैं आया ही माड़िया लई आख्या मेरी कुल्ली माड़ी आख्या अम्मा दुनिया दे सोहने सोहनी जगह ते बह के सोहने लगदे मैं रब दा सोना महबूबा जिथे बह जावा जगह ही सोहनी बना देना एक बारी कुल्ली च लैके जा जे खुदा दी अरशां दे फरिश्ते तेरी कुल्ली दा तवाफ करन आए ते मेरे आवन दा की फायदा। फिर अम्मा हलीमा कुल्ली च लै गई रबे काबा दी कसम है फिर ओ कुल्ली बनी कि जिदा खुदा दे अरश दे फरिश्ते भी आके तवाफ करते सन और जेडे खूहे च यूसुफ आन तीन दिन फरिश्ते उस खूह का तवाफ करन आए थे जिथे कमली वाला वसदा फरिश्ते उस कुल्ली दा तवाफ नहीं करन आंदे होणगे। बस आखिरी गल्लां दो चार सुन लो ते मैं इजाजत चाहवां वरना अम्मा हलीमा दा तज़किरा ते अलहम्दुलिल्लाह मेरा फेवरेट तज़किरा है छेड़ देवां ते मुकदा ही नहीं। अम्मा हलीमा हजूर नूं घर लै गई
अम्मा हलीमा दी जिहड़ी गवंडन सी ना आला हजरत दे वालिद फरमांदे ने ओह अम्मा हलीमा दी सखी भैन सी उहनां दा नाम सी हजरत खौला सादिया ए हलीमा सादिया ते खौला सादिया एक दिन ना हजरत खौला अम्मा हलीमा को लाईया ते कहन लगी हलीमा तू बड़ी अमीर हो गई है फरमाया किवें कहन लगी अगे तेरे कोल इन्ने पैसे ने उसने आउंदे कि रात नूं दीवे च तेल ही पा के बाल लवें अज जिस दिन दा मक्कियों आई है सारी रात दीवा बाली रखनी है इन्ने पैसे आ गए तेल है ना अम्मा हलीमा फरमान लगी हजूर दे चेहरे तो कपड़ा चाके फरमा दिया खौला रब्बे काबा दी कसम है जदों दा मुहम्मद आया मैं दीवा ही बालना छड़ दे सिराज मुनीरा दे चेहरे दा नूर है अम्मा हलीमा कोल सत बकरियां सन किनिया सारे बोलो किनिया सत दुध एक ने सी देंदी हजूर आए ते 700 बकरियां हो गई अगे एक दुध नहीं देंदी हुण एक इना देंदी है कि बकरी चो दुध नहीं मुकदा ते हलीमा दे बर्तन मुक जांदे इबने हिशाम ने लिखिया कि आण गवाड़ दी औरत अपने बच्चों नूं मार के कहंदियां तुसीं वी बकरियां उत्थे चारिया करो जिथे हलीमा दियां चरदियां ने ते बच्चे रो रो के कहंदे ने उत्थे ही चारने आ फर्क इना तेरियां बकरियां मैं चारना हलीमा दियां बकरियां मुहम्मद चार अम्मा हलीमा दे घर दे ना जिथे मस्जिद है ना इत्थे तक अम्मा हलीमा दे घर दे बिल्कुल करीब एक कुआं सी ए 2-4 साल पहले मौजूद सी हुण उन्होंने मिटा दिता ओ जिहड़ियां कबीले दी औरतां अम्मा हलीमा ना मक्के तो बच्चे लैके आईयां ना एक दिन इकट्ठियां होके कहण लगियां हलीमा बच्चे पेशाब करदे ने असीं खूहें ते जाके नाले दुखां सुखां दीआं कर लैनियां ते नाले कपड़े धो लैनियां ते तू कदे नहीं आई अम्मा हलीमा फरमांदी मैनूं कदे लोड़ ही नहीं पई एक बोल के कहन लगी नहीं अलीमा तेरा भी मकी साडे भी मकी तेरा भी अरबी साडे भी अरबी अम्मा अलीमा फरमांदियां नहीं तुहाडे भी मकी मेरा भी मकी तुहाडे भी अरबी मेरा भी अरबी है पर तुहाडे मेरे वर्गे नहीं मेरा तुहाडियां वर्गा नहीं कहन लगी अलीमा फर्क की है फरमांदियां तुहाडे पाक कपड़े पलीत कर देंदे ने मेरा मुहम्मद पलीता नूं भी पाक कर देंदा अल्लाह उमरे खिजरी अता फरमाए आने वाले।